MTV Big F with Gautam Gulati. Hi. Hello. Your pizza, madam. Thank you. मुझे ऐसे क्यों लगने लगा है कि पिज्जा तो सिर्फ एक बहाना है? असली मकसद तो शायद मुझे बुलाना. No, nothing like that. No? Yeah. And why do you keep sitting all the time जब भी मैं आता हूँ? कितना हुआ? 250. Oh yeah, yes, ma'am. I shall take another. I think. Just hold on. Your order number is. Yes, ma'am. I'll be there in like next 10 minutes. Thanks. I'll be. What happened? क्या हो गया? Yes. संभाल के यार. क्या जोर से लगी? एक मिनट देखो. I'm fine. No, it's fine. ज़्यादा नहीं लगा. मैं दे देता. तुम खुद क्यों नहीं उठ रही हो? You're really heavy, man. काफी भारी हो. पिज्जा कम खाया करो. खुद क्यों नहीं उठ रहे थे लेकिन? Because I can't feel my legs. मैं अपने नीज के नीचे कुछ महसूस नहीं कर सकती. वो व्हीलचेयर मेरी है. एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से मैं चल नहीं सकती. इट्स ओके. इट्स ऑल ओके. फिजियोथेरेपी के लिए क्यों नहीं जाती? जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? डोंट वरी डैड, आपसे पहले मैं ही मर जाऊंगी. तुम समझोगी नहीं. आई कांट कीप सीइंग यू दिस वे. इट हर्ट्स. उससे ज्यादा तो नहीं हर्ट होता ना डैड? मेरी तो बॉडी में भी दर्द होता है और दिल में भी. सो प्लीज
लीव मी अलोन। सिंपथी है तो ये रहा डस्टबिन, इसमें डाल दो, और वो रहा दरवाजा। अगर बात करना चाहते हो तो ये रहा सोफा, बैठ सकते हो। जी आई डिडंट मीन टू, यू नो इट्स ओके, प्लीज इट्स नॉट योर फॉल्ट, एक्चुअली आई एम यूज्ड टू इट। तुम सब लड़के एक जैसे ही होते हो। जी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बात मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड मुझे तुम्हारे एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है, एंड मैं नहीं चाहती कि तुम ये सोचो कि ये बेचारी ये कर सकती है कि नहीं, वो कर सकती है कि नहीं। आई डोंट वांट योर पिटीनेस। जस्ट शट अप। ओके काम डाउन। मैं तुमसे ये बताने आया हूं कि आई एम सो स्टूपिड कि मैं तुम्हें बोल नहीं पाया दैट आई रियली लाइक यू। Sorry, I thought... I'm surprised. मेरे लिए वो surprising था जैसे तुमने अपने पापा से बात की है। Jay is your dad, and a case for you. I know it, man. But you know, I was a swimming champion. इंटरनेशनल लेवल पे खेलने ही जाने वाली थी कि मेट विद दिस एक्सीडेंट, एंड उसके बाद सब खत्म हो गया। एंड डैड के कहने पे मैंने 2 साल थेरेपी किया, बट कोई असर नहीं हुआ। जी असर तब पड़ता ना जब तुम असर करवाना चाहोगे। तुम्हारी बॉडी तुम्हारी परमिशन के बगैर कभी कुछ कर ही नहीं सकती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। You just promise me कि तुम अपनी तरफ से 100% effort डालोगे, and I swear from my side I will help you, I'll stand by you. Just say that you'll give me 100%. Just promise me. Feel so good. You feel so good? बस, that's what is important. जिससे feel अच्छा होता है हमें, बस वही करना चाहिए। अब pizza. Right. अभी जल्दी बताओ क्या सरप्राइज है। पहले तुम प्रॉमिस करो जो मैं बोलूंगा वो तुम करोगी। प्रॉमिस करो। ओके प्रॉमिस। प्रॉमिस हाँ। मान मुझे नहीं लगता मैं मैंने पिछले 6 साल से स्विमिंग नहीं की है तो। यार ऐसे मत करो यार, तुमने मुझे प्रॉमिस किया और वैसे भी यार पिज्जा बॉय ने अपना हाफ सैलरी इस पे खर्च किया है, थोड़ा तो तरस खाओ यार प्लीज। आई अंडरस्टैंड लेकिन मैं। जी हाँ यू कैन से नो, यू प्रॉमिस मी। मैं कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, तुम बस ये पहनोगे। पकड़ो ये, पकड़ो ये, और ये भी पकड़ो। ये मेरी लाइफ थी,
And I'm again in the water. Thank you so much for everything. मैं इतनी सारी hopes खो दी थी. And I always wanted someone कि जो मेरी life को back on track लाए. And finally you came into my life. Thank you so much, man. तुम्हारी वजह से I'm feeling happy. सिस्टर को यहां से लेकर जाओ, शी इज मेकिंग अ सीन. मैं सीन क्रिएट कर रही हूं. सीन तो तुमने क्रिएट किया है मेरी फीलिंग्स के साथ खेलकर. क्या सोचो तुम, टांगे किसकी ऑलरेडी टूटी है, ट्रस्ट भी तोड़ दो. सैडली इन टूटी टांगों के लिए व्हील चेयर तो मिल सकती है. देयर्स नो सॉल्यूशन. There is no solution for the broken heart and broken promises. क्या डायलॉग बोलते लगा रखी हो तुम यहाँ? हाँ? किसे सेंड करना चाहती हो? मुझे? मैं क्या? कोई भी दूसरा तुम जैसे कावड़ के साथ नहीं रहा. कोई तो कार्ड फेंकते रहते ना तुम अपनी डिसेबिलिटी की, व्हील चेयर की, क्यों? और अपने सिस्टर अपने पापा के ऊपर बोझ बन के बैठे रहती हो. पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें एक्सरसाइज नहीं करनी है, कोशिश नहीं करनी है. काम करना, एक छोटा सा काम करना. जो तुम तरस खाते हो ना तुम अपने ऊपर, उसमें से थोड़ी सी तरस निकाल कर अपने पापा पर खा ले. बी लिटिल फेयर ना, लिटिल फेयर. But dear, look at yourself. You're standing. Oh my God. Yes, man did it. नाम मत लो उसका. Do you know what? मैं चाहती थी आप जल्दी से ठीक हो जाओ, इसीलिए मैंने मान को पैसे दिए. And you just needed a little bit of motivation. That's why. मुझे पता था कि आप उसे पसंद करती हो. तभी मैंने ये सब किया. But you know what? मान refused. उसने पैसे नहीं लिए. पैसों के लिए तो मेरा जॉब ही काफी है रिया. तो फुलफिल माय ड्रीम ऑफ एमबीए, सो ऑन ऑन व्हाटएवर. ये सब काम मैं पैसों के लिए नहीं कर सकता. आई जेन्युइनली फील फॉर. मैंने सेकंड टाइम भी आज उसे पैसे ऑफर किए, बट ही रिफ्यूज्ड अगेन. ही सेड कि मैं जिया के लिए पैसे नहीं लूंगा. Just be so sure. I want to meet him. Yes, I will.
मॉर्निंग. मॉर्निंग स्वीट हार्ट. पापा. हाँ बेटा. मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ शादी के लिए. यस. ये सूरज तो सही दिशा से उग रहा है. देखो तुम्हारी दी को कहीं टेम्परेचर तो नहीं हो गया? पापा आई एम फाइन. और वन मोर थिंग, आप एक काम कीजिए, आज फिजियोथेरेपिस्ट को भी बुला लीजिए. ओह माय गॉड. व्हाट? आई विल फेंट. यू आर फनी. क्या बात है भाई, हमें भी बताओ सीक्रेट क्या. आपको नहीं बता सकती. द चेंज इज पॉजिटिव. आई विल सी यू. सी यू. सो फाइनली प्रिंसेस जिया की रियलिटी और फैंटेसी की हुई टक्कर, जिसमें से बाहर आई हंसती हुई मुस्कुराती हुई जिया. मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूं कि अपनी फैंटेसी को इतना बड़ा मत बनाओ कि उसके आगे बहुत छोटे लगे. जिया की तरह अपनी फैंटेसी को रियलिटी बना के एक नया चैप्टर लिखो. एनीवे, आप लोगों के ऊपर है कि आप अपनी जिंदगी को कैसे लेते हो और किस तरीके से जीते हो. मैं तो जाते जाते आपसे सिर्फ यही बोलूंगा कि सुनो अपने मन की, करो अपने दिल की और जी लो अपनी जिंदगी.